our students and 7th class students. This is our chapter number 2 and name of that chapter is More on MS Windows 7 for subject computer. Okay students, आज हम Windows 7 के बारे में डिस्कस करेंगे कि Windows 7 होता क्या है और उसकी फीचर्स क्या क्या होती है. Okay students, तो let us discuss about first term operating system. Windows 7 डिस्कस करने से पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर है जिस स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम विच मैनेज ऑल द जॉब ऑफ ए कंप्यूटर. एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा, एक स्पेशल सेट होता है प्रोग्राम का, जितनी भी कंप्यूटर में होने वाली एक्टिविटी या जो भी वर्क होता है उसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. जितनी भी हमारा काम होता है, जो भी हमारा वर्क होता है, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है उसको कौन मैनेज करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके बेटा, तो आज हम इस चैप्टर में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि विंडोज 7 क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विंडोज 7. विंडोज 7 जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर. ओके, तो विंडोज 7 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर मेड बाय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑन 22 अक्टूबर 2009. जैसे मैंने आपको बताया विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितनी भी कंप्यूटर में होने वाली एक्टिविटी या वर्क कौन मैनेज करता है, विंडोज 7 करेगी. और इसको कौन सी कंपनी ने बनाया था बेटा, उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है जिसने विंडोज 7 को बनाया था. और कब बनाया था, 22 अक्टूबर 2009. ये इस विंडो को क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन्वेंट किया था. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फीचर्स क्या है विंडोज 7 की, कि कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या कुछ एक फीचर्स होते हैं वो क्या है. देखिए फीचर्स ऑफ विंडोज 7, विंडोज 7 की एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि GUI बेस्ड विंडो है हमारी ये, ठीक है, जिसके अंदर हम कलरफुल हम वीडियो वगैरह या कोई भी हमारी इमेज टेक्स्ट ग्राफिक्स इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं. तो वो कौन सी विंडो होगी हमारी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इट इज वेरी इजी टू यूज. इसको यूज करना भी क्या है, बहुत इजी है. इट इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. इसको लर्न करना और इसको समझना भी क्या है, बहुत इजी है. इट अलाउ टू यूज मल्टीपल प्रोग्राम एट वन टाइम. मतलब ये क्या है बेटा, विंडोज 7 का यूज कर हम मल्टीपल प्रोग्राम कर सकते हैं एक टाइम में. मतलब हम बहुत सारे काम कर सकते हैं एक टाइम में. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हम गेम भी खेल रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो कोई वर्क भी कर रहे हैं कोई एमएस वर्ड पे, तो बहुत सारे हम टास्क या बहुत सारे प्रोग्राम हम एक टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज 7. तो ये कुछ एक फीचर्स थे विंडोज 7 के. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक कॉम्पोनेंट ऑफ विंडोज 7. की कॉम्पोनेंट विंडोज 7 की चीज से बनी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है. ओके बेटा, कॉम्पोनेंट क्या है विंडोज 7 की, तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है एड्रेस बार. जब विंडो खोलोगे तो विंडोज 7 का जब आप कोई भी पेज खोलोगे ओपन करोगे तो हमारे पास कुछ एक कॉम्पोनेंट होते हैं, वो कॉम्पोनेंट डिस्कस कर रहे हैं एड्रेस बार. फर्स्ट कॉम्पोनेंट है एड्रेस बार. फर्स्ट कॉम्पोनेंट जैसे एड्रेस बार है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी हम फाइल या फोल्डर खोलते हैं उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस होता है कि पहले हम कहाँ पर गए थे, स्टेप बाय स्टेप हमारा पूरा का पूरा एड्रेस एड्रेस बार में शो करेगा जो हम फाइल ओपन करेंगे. नेक्स्ट है मेनू कंट्रोल बार. इसमें कुछ एक हमारे आइकन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ एक मेनूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज हो गया, ईमेल हो गया, ये कुछ एक मेनूज होते हैं बेटा उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनू कंट्रोल बार. नेक्स्ट इज बैक बटन. हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें प्रीवियस पेज पर मूव करना है तो हम बैक बटन की हेल्प से प्रीवियस पेज पे मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉरवर्ड बटन. एक फॉरवर्ड बटन तभी होता है, हम इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट पेज पर भी जंप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मिनिमाइज बटन. अगर हमें पूरी की पूरी स्क्रीन मिनिमाइज करनी है तो मिनिमाइज बटन की हेल्प से हम इसको स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं. मैक्सिमाइज स्क्रीन का साइज अगर बड़ा करना हो तो हम बड़ा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमाइज बटन. क्लोज बटन. अगर उस विंडो को अगर हमें क्लोज करना है तो क्लोज बटन की हेल्प से हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रोल बार. स्क्रोल बार बेटा क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी विंडो को ऊपर नीचे अप डाउन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रोल बार. ओके, नेक्स्ट इज स्टेटस बार.
स्टेटस बार में हमारा क्या होता है कि जो हम फाइल ओपन कर रहे हैं उस फाइल का स्टेटस शो करता है। स्टेटस मतलब उस फाइल के ऊपर हमने कब अपडेशन की थी। मान लो आपने कोई फाइल आपने मान लो किसी भी डेट को खोली तो वो डेट शो करेगा कि आपने लास्ट टाइम ये फाइल इस डेट को इस टाइम आपने ओपन करा था करी थी। ओके वो कौन हमें बताएगा स्टेटस, किसी भी फाइल का स्टेटस स्टेटस बार शो करता है। तो ये कुछ कॉम्पोनेंट है विंडोज 7 के जो विंडोज 7 को और भी खास बनाते हैं। तो इसको यूज करना क्या बेटा इजी है। तो ये क्लास 6 एंड 7 क्लास दोनों के लिए कॉमन है। हमारे टॉपिक चैप्टर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे वर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्टी विंडोज 7, वर्टी इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, वर्टी इज द फीचर्स ऑफ विंडोज 7 एंड कॉम्पोनेंट ऑफ विंडोज 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल SCS मिलनपुर को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।